मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि ऊंची उड़ान भरने और असाधारण काम करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश के लिए शिक्षित होना जरूरी है। सीएम ने लाल परेड ग्राउंड में प्रदेशव्यापी स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 12वीं कक्षा में 85% से अधिक अंक आने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए प्रत्येक को 25-25 हजार रुपए की राशि का ड्राफ्ट प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से ही समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनेगा। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे खूब पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। उन्होंने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि वे अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी स्कूल भिजवाएं और उन्हें पढ़ने की प्रेरणा दें। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने कहा कि युवाओं की रचनात्मक शक्ति से ही देश और प्रदेश बढ़ेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे देश और प्रदेश को बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि शिक्षित मध्य प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं पूरे समाज की है। अकेली सरकार ये काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि शिक्षित मध्य प्रदेश बनाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अपने आपसी मतभेदों को छोड़कर सभी को मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेंगे। राज्य सरकार ने कई अभिनव योजनाएं शुरू की है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी क्षमता पहचानने और समाज के निर्माण में लगने की अपील की। नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने। उद्देश्य एक ही है कि कोई भी बालक बालिकाएं विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। आज 10,500 बालक बालिकाओं को लैपटॉप की राशि देने का काम भी किया जा रहा है। जब पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, दो दो चुनाव आने के बाद पिछले साल के बच्चों को लैपटॉप नहीं दिया गया था, आज उन सब बालक बालिकाओं को लैपटॉप दिया जा रहा है। अभी एक और योजना उपहार योजना, जिसकी शुरुआत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। इस योजना के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति चाहेगा, यदि कोई दान देगा, यदि कोई स्कूल के लिए जगह देगा, यदि कोई कमरा बनाएगा और यदि कोई पूरा का पूरा स्कूल बनाएगा तो उसका नाम भी उस पर अंकित किया जाएगा। इस प्रकार उपहार योजना की भी शुरुआत हो रही है। बंधु उससे ऊपर अच्छी बात है। मैं कन्या सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हूँ, ग्वालियर से। और ये संदेश देने वाली यही है ना, यही जाएंगे संदेश लेकर के अपने भाई बहनों के पास में कि अब आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जो आपको योजना मिली है जिससे अपने प्रदेश के इस गौरव का सम्मान करके जो राशि मिल रही है उस समय अभी लैपटॉप भी खरीदूंगी, काम में आएगा। चलिए EMS TV के लिए कैमरा पर्सन शक्ति के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।